अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FKR सनक्राफ्ट। मैं फौजिया कमर। आज मैं बहुत ही खूबसूरत ईयरिंग्स और टीका लेकर आई हूँ। ये टीका जिस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने आयशा खान को पहनते हुए देखा, तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं भी ऐसे ही टीका घर में बनाऊं और आप लोगों को सिखाऊं, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है, ये बहुत ज़्यादा इन है, फैशन में है, तो क्यों ना हम घर में ही ये ट्रेंडी टीका बनाएं। और ये ईयरिंग्स जो देख रहे हैं आप, बहुत ही ईजी है। सिर्फ बेस होना चाहिए आपके पास, तो आप ईज़िली ये खूबसूरत सेट ईयरिंग्स और टीके का बना सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। पहले इस ईयरिंग्स को करीब से देख लें आप कि इसमें सिर्फ क्रिस्टल की मोतियां हैं और बेस है। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ईयरिंग्स को तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चांद बाली की तरह ईयरिंग्स है और ये ईयरिंग्स का बेस है। इसमें हम ऑरेंज क्रिस्टल की मोतियां लगाएंगे और ये बटन आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये इसका बताऊँगी कि ये बटन चाहे लगाएं। और इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो हम इसमें आज शामिल करेंगे अपने टीके में। तो चलिए हम ईयरिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेडीमेड बेस है जो कि गोल्डन कलर का है, चांद बाली की तरह है ये। तो और आज हम इसमें क्रिस्टल की ऑरेंज कलर की मोतियां लगाएंगे। इसके लिए हमें आप चाहें तो एक ज्वेलरी वायर आता है, उसके ज़रिए आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि बीच से हम कट करके ये लगाएंगे। एक मेरा झुमका हम मैंने तैयार करना बताया, तो उसमें मैंने यही इस्तेमाल किया था। ज्वेलरी वायर के ज़रिए मैंने इसमें मोतियां लगाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, चले बनाना, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। ईयरिंग्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट हमें चाहिए ज्वेलरी रिंग। ये गोल्डन कलर का हम तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए ये ज्वेलरी रिंग भी गोल्डन कलर का है। इसके अंदर हम ये क्रिस्टल की ऑरेंज कलर की मोतियाँ लगाएंगे। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक तैयार कर लिया है पहले से, और अभी मैं आपके सामने एक तैयार करूँगी। तो देखिए, हमने ये ज्वेलरी रिंग को थोड़ा सा खोला है और इसके अंदर हम ये ऑरेंज कलर की क्रिस्टल की मोतियाँ डाल देंगे। दो डाल दें, तीन डाल दें, लेकिन ये छोटी छोटी ज्वेलरी रिंग होती है, इसलिए सिर्फ मेरे में दो ही आएंगे, तो मेरे में दो ही काफ़ी है। मतलब कि छोटी छोटी मोतियाँ हों तो आप तीन चार डाल सकती हैं। हम सिर्फ दो या तीन मोतियाँ इसके अंदर डालेंगे। और ये डालने के बाद हमारी ज्वेलरी बेस है, इसमें देखें हमारा होल किया हुआ है, बस उसके अंदर हम डालेंगे और इसको ज्वेलरी वायर से कस देंगे हम, यानी टाइट करते हैं। अगर ज्वेलरी वायर ना हो तो आप हाथ से भी इसको दबा सकती हैं, कितना हार्ड नहीं होता, इजीली आप इसको दबा सकती हैं। इसी तरह हम सारे ज्वेलरी बेस पे इसको लगा देंगे मोतियों को। ये ज्वेलरी बेस मैंने आर्ट्स एंड क्राफ्ट की शॉप से लिया है, और जिसको कुछ भी नहीं आता, यानी कोई ज्वेलरी बनानी नहीं आती, वो ये ज्वेलरी यानी ये ईयरिंग्स बहुत खूबसूरती से आसानी से बना सकती हैं। जिस तरह से मैंने ऑरेंज लिया है, क्योंकि मैं ये ऑरेंज साड़ी के ऊपर वेयर करूँगी, तो आप अगर कोई से भी कलर के बना सकती हैं तो उतना खूबसूरत लगेगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल ईयरिंग्स तैयार है ऑरेंज क्रिस्टल की मोतियों के साथ, लग रहा है ना ज़बरदस्त, और गोल्ड की ज्वेलरी लग रही है ना बिल्कुल। ईयरिंग्स हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम बनाएंगे अपना टीका, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है आम टीके के हिसाब से। तो मैंने ये ऑरेंज कलर का सिल्क थ्रेड लिया, सिल्क थ्रेड के साथ बनाएंगे हम। और इसके अलावा हमें यही क्रिस्टल के ऑरेंज मोतियां चाहिए, और ये झुमका बेस, ये छोटा सा झुमका बेस चाहिए जिससे हम झुमका तैयार करते हैं। और गोटे की लच्छी चाहिए, आपकी मर्ज़ी, आप कोई गोटे की लच्छी लगाएं या फिर कोई मैचिंग के सिल्क थ्रेड भी ले सकती हैं। और हमें
फिश वायर वाइट ग्लू के साथ हम तैयार करेंगे। चलिए भाई जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने झुमके के बेस को तैयार कर लेते हैं, जिस तरह से आपको बता चुकी हूँ झुमका बनाना, और सिल्क थ्रेड के साथ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा हमें कितने इसके राउंड लेने हैं सिल्क थ्रेड के। ये मैंने 12 राउंड लिया है क्योंकि हमें इतना हेवी लुक नहीं देना है। और इसके बैक पार्ट पे हम वाइट ग्लू लगाने के बाद फिर इसको हम इस तरह रैप करेंगे, तो हमारा ये पूरा झुमका बेस तैयार हो जाएगा। आप इसको झुमका ही बना सकती हैं, लेकिन आज हम तैयार कर रहे हैं टीका, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा आपको बनाने में। और ये हमारा टीका बिल्कुल तैयार हो गया। तो ये मैं आई पिन ले रही हूँ, आई पिन हम अंदर से इंसर्ट करेंगे और सिर्फ एक मोती डालेंगे ताकि ये लॉक हो जाए, क्योंकि हमारा बैक पार्ट तो बिल्कुल छुप जाएगा, वो किस तरह से वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सिर्फ हमें एक मोती लगानी है और उसके बाद हमें अंदर से इंसर्ट करना है, ये बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हम ज्वेलरी कैप इसके ऊपर लगाएंगे, और ज्वेलरी कैप लगाने के बाद फिर हम इसको टर्न कर देंगे वायर से अपने इस आई पिन को। और मैं ग्लू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं ज्वेलरी कैप लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, निकले नहीं। और फिर एक दो मोतियाँ लगाएंगे, जो मैं ऑरेंज क्रिस्टल की मोतियाँ जो हमने ईयरिंग्स तैयार किया है उसी में हम अब टीका भी बनाएंगे, इसी ही ऑरेंज क्रिस्टल की मोतियों से। देखिए मैंने दो तीन क्रिस्टल की मोतियाँ डाली हैं आई पिन में और इसको वायर से टर्न कर दिया है, कट कर लेंगे। ये मेरा वायर थोड़ा सा पुराना हो गया है शायद, इसलिए इतना शार्प नहीं है। अब कट करने के बाद देखिए नीचे से थोड़ा सा प्रेस करके हम इसको टर्न कर देंगे और नीचे से अच्छे से दबा देंगे ताकि हम जब फिश वायर अंदर इसके अंदर डालें तो निकले नहीं, पॉइंटेड होना चाहिए आपका वायर। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम तैयार करेंगे नीचे का बेस, यानी जो हमने झुमका तैयार किया है उसके नीचे हमें लगाना है। तो जो आप ये देख रही हैं, ये मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नल का ख़राब हो जाता है, जो उसकी बच जाती है, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, तो वो मैंने लिया स्टील का, ये सेंटर से होल है तो उसमें मैं डाल रही हूँ ये सिल्क थ्रेड। आप मैंने जिस तरह से आपको ऑरेंज कलर का दिखाया था बटन, आप बटन भी ले सकती हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे मिल गई तो मैंने कहा ये ज़्यादा बेहतर है। और फिर देखें बैक पार्ट पे हमारे झुमके का बेस है, उसके चारों तरफ हम वाइट ग्लू लगाएंगे, और वाइट ग्लू से जो हमने अभी तैयार किया है हमें पता नहीं क्या इसको कहते हैं, अगर आपके जहन में है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कोई ऐसी चीज़ है जो घर में काम आती है, मैं नलके का वॉशर या कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो मेरे ड्रॉ में रखा था, वो मैंने तैयार किया है इस जो हम टीका तैयार करें उसके नीचे कवर करने के लिए। तो देखिए मैं इसको छुपा दूँगी, यानी मैं इसको बंद कर दूँगी अपने झुमके के बेस को ग्लू से, हमने इसको स्टिक किया थोड़ी देर के लिए, आप रख दीजिए, फिर इसके बाद हम इस झुमके के बेस को तैयार करेंगे जो हम जिससे हम टीका बना रहे हैं। मैं बार बार झुमके का बेस कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम झुमका तैयार कर रहे हैं, हम तो टीका तैयार कर रहे हैं, और ये हमें राजस्थानी टीका इसको कहते हैं। तो फिर ये देखें हमने हमारा स्टिक हो गया है, अब हम इसकी सजावट बनावट करेंगे, क्योंकि नीचे से ये नज़र आएगा। तो सेंटर में मैंने एक वाइट पर्ल लगाया है ग्लू की हेल्प से, सब चीज़ें लगा रही हूँ, और कुंदन मेरे पास रखे थे कुछ ग्रीन और कुछ गोल्डन, तो मैं ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन से ये बना रही हूँ, क्योंकि ऑरेंज के साथ ग्रीन और गोल्डन का एक अटैचमेंट होता है, आप कोई सा भी सूट पहने लेकिन जब आप गोल्डन और ग्रीन को साथ मिलाएंगे तो वो सूट या वो ज्वेलरी आपकी इन्हेंस होती है। तो मैं ग्रीन और गोल्डन के साथ इस ऑरेंज टीके को तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे पास कुंदन है, मैं कुंदन लगा रही हूँ बैक पार्ट पे, क्योंकि हमारे ये बैक पार्ट भी नज़र आएगा, उसके बाद भी हमें बहुत इसको सजाना संवारना है, तो मेरे साथ रहिए। बैक पार्ट तो हमने कुंदन के साथ सेट कर लिया है। अब देखें ये गैप नज़र आ रहा है जो हमने दो चीज़ें ज्वाइन की है, यानी झुमके का बेस और नीचे वाला पार्ट जिसमें हमने कुंदन लगाया, उसको छुपाने के लिए मैं लगा रही हूँ स्टोन चेन। सिर्फ स्टोन चेन लगाएंगी, आप चाहें तो पर्ल चेन भी लगा सकती हैं, स्टोन चेन भी, और जो एक मोतियों की बारीक बारीक छोटी छोटी मोतियों की लड़ी आती है आप वो भी लगा सकती हैं। मैं सिर्फ स्टोन चेन लगा रही हूँ वाइट ग्लू की हेल्प से, और इसको मैं कवर कर दूंगी, यानी ये ज्वाइंट हमारा नज़र नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है ये भी अब देखिएगा। अभी
टीके के बैक पार्ट को हमने देखे तैयार कर लिया है और स्टोन चेन भी हमने लगा दिया है। और ये बताना आपको भूल गई मैं कि जब हमने सिल्क थ्रेड से इसको रैप किया था तो मैंने गोल्डन जो हमारी बेल होती है क्या उसको कहेंगे गोटे की लच्छी, उससे भी मैंने रैप कर दिया और जो जगह बची थी वहाँ भी मैंने कुंदन लगा दिया। अब हमारी बारी आती है कि हम ये जहाँ हम अपने टीकों को एडजस्ट करेंगे, तो मैं देखे फ़िश वायर लगा रही हूँ। फ़िश वायर मैंने अंदर से डाल के इसको नॉट बांधूंगी क्योंकि हमने अंदर से ही आई पिन को डाला था और उसको टर्न किया था, इसी टर्न के अंदर मैं फ़िश वायर को नॉट बांध के मैंने तैयार कर लिया। अब ये ऑरेंज कलर की क्रिस्टल की मोतियाँ नज़र आ रही होंगी तो ये क्रिस्टल की मोतियाँ मैं इस फ़िश वायर में पिरो दूंगी और जहाँ तक आपको अपने माथे से लेकर सर तक जहाँ तक लाना है वहाँ तक आप इसको ले जाइएगा, यानी उसमें मोतियाँ पिरो लेंगे। साइज़ आप देख लीजिएगा अपने सर के हिसाब से और उसके बाद फिर हम इसको आखिर में नॉट बांध देंगे। और जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसको बंद किया कर लिया करें, कभी भी नॉट बांध के खुला नहीं छोड़ना है हमें फ़िश वायर को, वरना ये नॉट खुल सकता है। तो मैं हमेशा बंद करती हूँ, कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि देखिए मैं नॉट बांध रही हूँ, नॉट बांधने के बाद मैं बंद कर दूँगी। और ये हमारा राजस्थानी टीका बिल्कुल तैयार है जो कि सिल्क थ्रेड और गोटे के साथ मैंने झुमका बेस के साथ तैयार किया है और इसकी सजावट बनावट कुंदन के साथ किया, क्रिस्टल मोतियों के साथ किया है। ये देखे हमने टीका तैयार कर लिया है जो कि मैंने अपनी भतीजी की माइयों में पहना है ऑरेंज साड़ी के साथ, और ईयरिंग्स भी देखें आपके सामने हमने तैयार किया है। आप भी अपने छोटे छोटे इवेंट्स को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं अपने हाथों से तैयार करके ज्वेलरी पहने और दूसरों को गिफ्ट भी दे सकती हैं। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, हमने ये छोटे छोटे क्रिस्टल के मोतियाँ इसमें लगाई हैं और ये मामूली से हमारी ईयरिंग्स कितने खूबसूरत हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये चीज़ें हमने अपने हाथों से तैयार की है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। Oh, oh, oh.